हाय एवरीवन, दिस इज किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 24 नवंबर और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 1:03 से लेके 2:06 तक, और जो आज का राहु काल है वो रहेगा 10:08 से लेके 12:28 तक। ये था आज का पंचांग। अब हम बात करेंगे ड्रीम्स की, सपनों की। जब भी हम सपनों में गेम्स को देखते हैं उसका क्या मतलब होता है? जब भी अगर हम देखते हैं, हमने जस्ट सिंपल हम वीडियो गेम को देखते हैं, उसका ये मतलब होता है वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम प्रोडक्टिव वे से यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके कारण हम बहुत ज़्यादा लेज़ी अपनी लाइफ में हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में हमारे कोई बेटर चेंजेस हो, तो हमें वो लेज़ीनेस छोड़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड इफ़ यू सी कि यू आर प्लेइंग वीडियो गेम, उसका ये मतलब होता है विद योर एफर्ट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी वन, यू कैन एक्सेल वेरी गुड इन योर बिजनेस, और किसी भी चीज़ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप ये देखते हैं कि जो वीडियो गेम है कोई और कोई खेल रहा है, तो इसका ये मतलब होता है आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहे फैमिली का कोई पर्सन है या कोई फ्रेंड्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको कॉल करनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। एंड इफ़ यू सी कि जो वीडियो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, तो उसका ये मतलब होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस आएंगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। एंड इफ़ यू सी कि जो वीडियो गेम्स है बहुत ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब होता है कि आप बहुत चीज़ों में हाथ डाल चुके हैं, बट आपको खुद को ही नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। तो आपको चाहिए एक चीज़ को चूज़ करें, तो उसी रास्ते पर जाएंगे, तभी अच्छा होगा आपके लिए। तो ये थे ड्रीम एनालिसिस ऑन वीडियो गेम्स। अब हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, उनका आज का दिन कैसा जाएगा। सबसे पहले बारी आएगी एरीज की। लेट्स सी, जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपकी कोई लेडी हेल्प करेगी बहुत अच्छे से, उनसे आपको एडवाइस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही, या कोई चीज़ें आपकी समझ से बाहर है, या डिसीजंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको चाहिए उस लेडी के पास जाए जो आपके बहुत क्लोज है, तो उनसे हेल्प मांगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जो उनकी आपके पास एडवाइस आएगी, तो वो आपको मुश्किल के टाइम से वो आपको बाहर निकाल लेंगे। और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा रेड। चलिए अब देखते हैं टॉरियंस का आज का दिन कैसा रहेगा। जो वृष राशि वाले लोग हैं, आज के दिन बहुत ज़्यादा आप डोमिनेटिंग रहेंगे, अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे। नो डाउट आपके पास बहुत अच्छी अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, उस चीज़ का बहुत अच्छे से आप यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही उनको यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे से आप अपने काम आज के दिन बनवाएंगे। और जो वृष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। इसके बाद बारी आएगी जेमिनाइज की। जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, करेज है, आपके पास ऐसी पोजीशन है कि आप बहुत और ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके पास बहुत अच्छे प्रपोजल्स भी आज के दिन आएंगे, और लोगों की आज के दिन आप हेल्प भी बहुत ज़्यादा करेंगे। और जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा मैरून। इसके बाद बारी आएगी कैंसेरियंस की। जो कर्क राशि वाले लोग हैं, आज का दिन पैसों से रिलेटेड बात करें तो बहुत अच्छा है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपने पीछे काम किया, बहुत परेशान रहे, बट आज के दिन आप रिलैक्स करेंगे बहुत अंदर से, आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्राउन। इसके बाद बारी आती है लियोस की। जो सिंह राशि वाले लोग हैं, आज का दिन फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ बेसिकली आज का दिन आपका बहुत अच्छा स्पेंड होगा। जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, और जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में है, तो आज के दिन आप एक दूसरे पे टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और जो लोग काफ़ी देर से किसी रिलेशन में थे, उनकी मैरिज भी फिक्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ डे फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपके बहुत बेहतर होंगे, चाहे लोगों से होंगे, चाहे पार्टनर से होंगे, चाहे आपके लव्ड वन से होंगे। और जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा व्हाइट। नेक्स्ट पारी आती है वर्गोस की। जो कन्या राशि वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को घुमाने की कोशिश करें, फॉरेन से रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बिजनेस को आज के दिन आप एक्सपैंड करेंगे, और जो आपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग्स की उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। और जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लैक।
तो ये था पहली छह राशियों का राशिफल। अब हम बात करेंगे जिनका है बर्थडे, जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले आप सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, और आपके लिए एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी प्रूव होगी। हेल्थ के लिए इस साल आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी आपके पास एडवाइस होगी, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी, किसी पे रिलाई ना करें, बिग इन्वेस्टमेंट से डरे, जो करना है खुद ही प्लानिंग करें। बिकॉज जो लोग आपको कह रहे थे हम सपोर्ट करेंगे, या लोग लगता था आपको कि वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो टाइम पर वो लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो आप अपने माइंड को सेट करके चले कि जो कुछ करना है आपने ही करना, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने पेशेंस रखे, अगर आपके मन में होगा कि मैंने कुछ करके दिखाना है, तो डेफिनेटली आप अपने भरोसे पे अगर चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लिए फैंटास्टिक ईयर है, आपको सक्सेस मिलेगी। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लास्ट ईयर सबकी बेटर रहेगी। और आपके एडवाइस भी आती है, थोड़ी सी अपनी मनवाए तो और अच्छी हो जाएगी आपकी मैरिड लाइफ। तो ये था जिनका है बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। अब हम बात करेंगे बाकी की छह राशियों की, उनका आज का दिन कैसा आ जाएगा। अब बारी आएगी लिब्रस की। जो तुला राशि वाले लोग हैं, आज का दिन आपको कोई सक्सेस मिलेगी, कुछ आपकी सेलिब्रेशंस होगी, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपका सर्कल बहुत ज़्यादा वाइड होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही बनेंगे। और जो तुला राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा बेज। इसके बाद बारी आएगी वृश्चिक राशि वालों की। जो स्कॉर्पियंस हैं, पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपनी और ब्रांचेस या और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग सिंगल, उनकी मैरिज हो सकती, कहीं ना कहीं आज के दिन आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी ख़त्म होंगे। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा येलो। इसके बाद बारी आएगी सजिटेरियंस की। जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज के दिन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती नजर आएंगे, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। कोई आपका लॉस होता होता बच सकता है, बट डिपेंड करता है आप कितनी सी पेशेंस करते, कितने आप अलर्ट रहते हैं आज के दिन। और जो धनु राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। इसके बाद चलते हैं मकर राशि वालों की तरफ। जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, आज के दिन आपको कोई सक्सेस मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी कोई आज के दिन बहुत बड़ी जीत हो सकती है, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और जो मकर राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा बेज। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियंस की। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, और किसी पर आज के दिन ज़्यादा विश्वास ना करें, और किसी भी स्पेकुलेशन से, गैम्बलिंग से दूर रहें। और जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा व्हाइट। लास्ट पे हम बात करेंगे पाइसिस की। जो मीन राशि वाले लोग हैं, आज के दिन अचानक ही आपको कोई हेल्प मिलेगी, कोई सपोर्ट मिलेगी, बहुत देर से आप किसी सपोर्ट के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, वो आज के दिन आपको मिल जाएगी, तो आपकी जो वेट है वो ख़त्म होगी, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपका आज के दिन कोई बहुत बड़ा ही काम बनेगा। और जो मीन राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा ब्राउन। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें आपके सितारे किमी के साथ। थैंक यू।